गुड मॉर्निंग, आज है ट्यूसडे, वी आर एट लालिमा एंड आज का वेदर काफ़ी फाड़ू है क्योंकि सुबह से बारिश हो जा रही है। अभी बजे 11 बट रात से ही, रात नहीं, अर्ली मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है। अभी कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, यू कैन सी। और हम लोग अभी पूल साइड में बैठे हुए हैं, यहाँ पे शेड बना हुआ है, उस पर बैठे हुए हैं एंड देखते क्या करते हैं। बारिश जब तक बंद तो होता नहीं है, तो बाहर निकल भी नहीं पा रहे। वी हैड अ फ्यू प्लान्स विच टिल नाउ गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ दिस रेन। फर्दर क्या होता है क्या नहीं होता है, पर ये पानी और बारिश देखते हुए मुझे तो पूल में जाने का मन कर रहा है। बारिश के ख़त्म होने के इंतज़ार करते करते हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। आज का ब्रेकफास्ट काफ़ी सिंपल था, लाइक बटर, ब्रेड, टोस्ट और कुछ सॉर्टेड वेजिटेबल। काउंटर थैंक यू। मैकडॉनल्ड्स एंड दिस प्लेस इज ऑसम। सारा कुछ कियोस्क में हो गया, वहाँ पे एक बोर्ड है, वहाँ पे जाके आप अपना ऑर्डर चेक करो एंड इज देयर यू गेट अ कूपन एंड यू कैन पे इट ओवर हियर। एंड हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया और वहीं जाके आप बैठ रहे हैं एंड वेटिंग फॉर आवर टर्न टू कम। सो इट्स बेटर एंड कन्वीनियंट, एज इन आपको लाइन में खड़े होकर सोचना नहीं पड़ेगा क्या ऑर्डर देना है। वहाँ पे भी लाइन पड़ रहा है, बट इट इज फास्टर। फटाफट खड़ा, बिल क्या हुआ हो गया, आगे आप पैसा पे करो। हमारा ऑर्डर एंड दिस इज व्हाट द बिल इज। ये हमारे इसलिए आ गया है, ये है फिश रैप, दिस इज चिकन रैप, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ डेजर्ट, मैकफ्लरी टीरा, टीरामीसू मैकफ्लर क्रम्स, एंड दिस इज प्रॉब्ली चिकन बर्गर या मैक चिकन, एंड दैट इज फिश फिलेट। ओके सो अभी खाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई द फिश रैप। सोमिता का जैकपॉट लगा क्योंकि उसको मैकडोनल्ड्स में शायद हम लोग एक ही बार गए हैं, वो भी द टाइम व्हेन वी वर डेटिंग, बहुत दिन पहले की बात है। वहाँ पे उसने वेज ट्राई किया था। हाँ, इफ यू वांट यू कैन। तो यहाँ पे उसको फिश आइटम्स मिल रहे हैं, सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे भी मिलना चाहिए, आई डोंट नो, यस, क्योंकि हम लोग बहुत दिन जाते नहीं है, वही सोच कर कि नहीं मिला है कुछ। ट्राई इट, कैसा है? स्टफिंग्स तो अच्छी है, बहुत कुछ है। फिश कैसा है? बढ़िया। ये है चिकन रैप, यहाँ पे दो चिकन पीसेस हैं विथ मेयो एंड वेजीज, राइट। स्पाइसी है, स्पाइसी है, तो सही है। चिकन इज जूसी, अच्छा लग रहा है। रैप है बट बर्गर पैटी से थोड़ा डिफरेंट। ये फिश फिले वाला बर्गर, सिर्फ चिकन पैटी के यहाँ पे फिश फिले दे दिया। तो सुमिता इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि उसको फिश मिला है। बेचारी हमारे वहाँ के मैकडॉनल्ड्स में उसको मिलता नहीं है, आई डोंट नो इट इज़ अवेलेबल और नॉट, बट अभी तक तो कभी मिला नहीं। हाउ इज़ इट?
आजकल जैसे मिलता है। हम ट्राई करने वाला है तिरामिसू मैकफ्लर क्रम्स। इसीलिए हम लोग बाली घूमने आए थे। नो, आई वांटेड टू हैव तिरामिसू। वही, दिस इज द रीजन वी केम टू बाली। ये हमारे वहाँ नहीं मिलता है। यस यस, मिलता है। मिलता है। इस चक्कर में तूने मेरा इतना खर्चा करवा दिया बाहरी इलाके। ऐसे और हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम आए हैं सेमिनियाक बीच। सेमिनियाक बीच। आज यहीं पे हमारा आखिरी दिन है, तो आज सोच रहे हैं, आज हमने प्लान किया था कि थोड़ा चिल आउट मारेंगे सुबह। वैसे ही बहुत बारिश हो रही थी तो आधा दिन वहीं पे निकल गया। अभी बारिश बंद है तो हम लोग यहीं पे आए हैं। सो आई विल गिव यू अ टूर ऑफ दिस बीच। अभी तक तो ये बीच खाड़ू लग रहा है, काफ़ी वाइब्रेंट है। यू गेट अ लॉट ऑफ क्या बोलूँ, फीलिंग आ रही है कि पार्टी प्लेस। या हैप्पी वाइब आ रही है यहाँ पे, आपको पार्टी प्लेस जैसा लग रहा है। तो देखिए बीच कैसा है, लेट अस नो। सो दिस इज द इंटायर बीच। काफी बड़ा बीच। सेमिनिया बीच, जो कि बाली का एक पॉपुलर बीच डेस्टिनेशन है, ये सिर्फ उटा बीच से 3 किलोमीटर की दूरी में है। ये बीच काफी फेमस है अपने शांत और खालीपन के लिए, लेकिन रात होते ही ये बीच एक पार्टी प्लेस में बदल जाता है। बीच में बैठ के आप सनसेट का भी मजा ले सकते हो, जो हम अभी ले रहे हैं। काफी खूबसूरत लग रहा है। एंड एज आई सेड, आज क्लाउडी था, फिर भी दिस बीच इज लुकिंग ऑसम। द स्काई इज वाओ, जस्ट अमेजिंग। इस बीच में आपको काफी सारे स्नैक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप पी करके बियर या फिर कोई भी ड्रिंक या फिर खाना ऑर्डर दे के आप सनसेट का मजा ले सकते हो। लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। फीलिंग आ रही है, पर आई मीन सिंस दिस इज आउट ऑफ इंडिया, दिस इज फॉरेन, तो लाइव म्यूजिक कंप्लीटली। यहाँ के बीच क्लब्स और बार्स रात भर चलते हैं। यहाँ आपको म्यूजिक, डांस और ड्रिंक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। तो सेमिनियाक बीच से निकलने के बाद हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन है उटा बीच। बाकी दिन तो हम लोग बाहर घूम रहे थे, दूसरे दूसरे स्पॉट्स जा रहे थे तो टाइम नहीं।
जैसे अपने मुताबिक दिखा रहे दिस बीच इज डिफरेंट फ्रॉम सेमीनायक. वहाँ पे रश नहीं होता जितना यहाँ पे है. एंड देन यहाँ पे भी आप सर्फिंग वर्फिंग सभी कर सकते हो. एंड दिस इज मोर क्राउडेड. That's what I can say. ये देखो कुटा बीच में आज सनसेट का मजा लेंगे. यहाँ पे भी आपको बीच साइड शैक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप ऑर्डर देके कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो. एंड यू कैन सिट डाउन एंजॉय द वेव्स एंड हैव भुट्टा. भुट्टा यहाँ पे सोमिता को बहुत पसंद है. देखिए सब यहाँ पे सनसेट का मजा ले रहे हैं. बाली इज फेमस फॉर सर्फिंग एज़ वेल. यहाँ पे काफ़ी सारे बीच हैं जहाँ पे वेव्स काफ़ी अच्छी होती है. सनसेट इतना खूबसूरत था कि आई एम फोर्स टू से हाउ ब्यूटिफुल वे टू एंड दिस ट्रिप. यहाँ पे भी काफ़ी सारे शैक्स हैं जहाँ से आप कुछ ऑर्डर करके यहाँ पे बैठ सकते हो. एंड यू कैन एंजॉय द बीच एंड द सनसेट एंड द पीपल एंड एवरीथिंग. यही है आपके लिए कुटा बीच एंड हमारा आखिरी डेस्टिनेशन. चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर एंड कमेंट. इस चैनल में आपको छोटे छोटे जिंदगी से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा. सो प्लीज सपोर्ट. Thank you.